क्या बात है, आखिर वो दिन आ ही गया कौन सा? अनबॉक्सिंग का। हाँ कितने दिन हो गए आखे? हाँ 1 वीक हो गया है। फ्रेंड्स वन ये वीक देखिए, मेरी एक फॉलोअर है, फेसबुक फॉलोअर, अभी यूट्यूब पे भी फॉलो करती है, इंस्टाग्राम पे भी। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। एक्चुअली बेकर्स विले के स्टॉल पे वो आने वाली थी, बेकरी बिजनेस जब था ना उस वक्त वो आने वाली थी, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम ये दिन आने वाले। उसको लगा कि पूरे 3 दिन मैं आने वाली हूँ, बट मैं नहीं आ पाई 3ों दिन। वो अब ये जो गिफ्ट है वहां पे लाई थी उसने, बट मैं तो मिली नहीं, तो उसने फिर कुरियर से भेजा है। देखते हैं क्या भेजा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि अच्छा लगता है यार, कभी आप लोग ऐसे सरप्राइज देते हो तो। और देखते हैं क्या है, और काफी दिन हो गया एक्चुअली इसे रखे हुए और खोला ही नहीं मैंने। बात सबसे पहले ये थी कि उसके उससे मिलना था और मुझे भी मिलना था, क्योंकि हमने काफी दिनों से सोच के रखा था। वो मुझे मैसेज भी करती थी कि मैम मुझे मिलना है। चलो ये देखिए क्या है यार। क्या बात है, हाँ देखते हैं अभी। आपके हेयर्स तो काफी वाह अच्छे लग अच्छा रहे हैं। अच्छा थैंक यू। कैसे लग रही है चोटी? देखो मेरे कितने लंबे बाल हो गए। अच्छा, दो छोटी है। यस अच्छा लग। चलो फाइनली ओपन हो रहा है। वाह वाह क्या ये है? देखो, ये मुझे लग रहा है ये याना के लिए है। उसने कहा था कि अच्छा आपके लिए। वाह सो अमेजिंग। क्या है, वाह क्या बात है, फाइनली मिल गया आपको। हाँ ये वो रेजिन आर्ट्स है ना, अच्छा, अरे वाह, नाइस। कितना एक मिनट, थोड़ा प्यारा पास है, से लेता हूँ। बहुत बढ़िया, सुंदर। और नाइस। स्टैंड भी है यार इसको। हाँ कैसे यूज करना है लेकिन। हाँ अभी वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ वैसे वैसे ही वैसे ही। हाँ ऐसे हैं, हाँ बताती हूँ। संभल के करना बस। हाँ ठीक है, और इतने कोने पे क्यों कर रही हो फिर? बता रही हूँ शायद लाइक पीछे दिस। पीछे साइड कुछ है हाँ क्या? स्लीप हो रहा है, संभल के। हाँ ऐसा कुछ रखना पड़ता है शायद। ठीक है इसको बाद में देखेंगे। नहीं नहीं यहाँ पे ये भी है, मतलब आप वॉल को भी लगा सकते हो या कहीं पे भी। थैंक यू सो मच मयूरी, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है यार। और ये भी देखो, ज्वेलरी भेजी है, हैंडमेड है। हाँ सब हैंडमेड है, क्या मेन बात बात है, ये भी हैंडमेड है। वाओ क्या बात है। देखो। और ये ना मैं याना के स्कूल जा रही हूँ कल, और वहां पे फंक्शन है। कौन सा प्रोग्राम है सर जी? कार्निवल है। कार्निवल है ना। मेरे ड्रेस के ऊपर तो मैच हो गया है, मैं तो पहनने वाली हूँ कल। सो प्रीटी। और ये है इयररिंग्स, हैंडमेड बनाना मतलब सच में आर्ट है यार। कल मैं तैयार होऊंगी ना तो फिर मस्त फोटो निकालूंगी। सर आपके लिए भी कुछ भेजा है। ओके थैंक यू। हमको तो कोई गिफ्ट देता नहीं है, बट चलो ये देखो ठीक है, और भी है, ये देखो ये बाकी है। मेरी नाइस। ब्लू साड़ी है ना, उसके ऊपर बहुत प्रिटी लगेगा यार, बहुत कुछ है। और ये ज्वेलरी सब हैंडमेड है, ऑल हैंडमेड। और सच में बहुत मेहनत भी लगती है ऑब्वियसली ये सब बनाने के लिए। और क्या था इसके साथ, कुछ था ना। हाँ ये वाला, सॉरी। चलो इसमें क्या है देखते हैं। अच्छा ये भी था एक। हाँ वाओ ये खाना है, ये जलाना है। लड्डू ओह चीज माय गॉड, केक, ये क्या है, खाने के लिए? इट्स नहीं अ नहीं कैंडल, सो ओके। ब्यूटीफुल। अरे बाप रे, मजे चीज हैं। केक है, लड्डू है, इट्स अ कैंडल। हाँ कितना प्रीटी है ना यार, इमरती वाली कैंडल और लड्डू वाली कैंडल, खाना गुजिया। वाओ
अभी तो हम ये कब यूज करेंगे, ऐसे नहीं कभी भी। और खुशबू भी आ रही है इसमें से, मस्त। सी आपके तो मजे है मैडम। सच्ची में मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही प्रीटी, बहुत सुंदर है। स्पेशली ये जो है ना मेरे ड्रेस के लिए तो फुल मैचिंग हो गया। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत पसंद आया। लव यू मयूरी। और ये जो है ये सर ने बुलाया है मेरे लिए फाइनली, अभी अभी आया ये भी पार्सल। ये भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि क्या है। फटाफट फटाफट क्या है। थैंक यू सो मच फाइनली, डिजिटल किचन स्केल आ गया। ये सच में चाहिए था एक्चुअली मैक्रोन्स बनाने के लिए ना, मुझे इसकी तो बहुत जरूरी थी। क्योंकि फाइनली मैंने ये बाय कर लिया है और मैक्रोन मैट भी, क्योंकि अभी ओटीजी आया है। सो ओटीजी में तो क्या बात है। हम शीट दिखाती हूँ मैं, सिल्पट। सो फाइनली मैक्रोन्स बनाने के लिए मेरे ओटीजी में अभी तो काफी स्पेस है, तो ये बाय कर लिया है मैंने। और क्या प्राइस में आया ये? 552। दो शीट्स? यस, दो शीट्स 550 समथिंग। और क्वालिटी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। अभी यूज करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो मैक्रोन्स मैं बनाती थी मैंने तो माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बनाया। मेरे पास एलजी का ऑल इन वन ओवन है, उसमें मैंने अभी तक बनाए। बट अभी ओटीजी आया है तो ओटीजी में तो ट्राई करना है। की है ऐसा नहीं है, ओटीजी में भी ट्राई किया है, बट ये जो रहता है काफी सारे एक साथ बन जाते हैं, है ना। सो मुझे तो वर्थ लग रहा है, अब देखते हैं क्या होगा। और अभी देखो फ्रेंड्स, अगर आप ना मैक्रोन्स बनाते हो ना तो ये वाला यूज करो, क्योंकि मैक्रोन्स बनाने के लिए स्पेशली जो मेजरमेंट होता है बहुत अप्रोक्सीमेट चाहिए होता है, है ना। जैसे कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं, यस अप्रोक्सीमेट मींस अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट चाहिए, ऐसे बोलो। एग्जैक्ट, यस यस एग्जैक्ट चाहिए, यस बराबर है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे बताया गया है, जैसे सपोज 20 ग्राम अगर बोला गया है तो 20 ग्राम ही आपको लेना है वो इंग्रेडिएंट, तो ये जरूरी है, ठीक है। इसको ना ओपन करना पड़ेगा, वो बाद में करो अभी। हाँ, बाद में, ठीक है, आराम से। यस यस सो बहुत ठीक है। अच्छा लगा, आपको कैसे लगे सारे मेरे गिफ्ट्स जो आए हैं कमेंट में जरूर बताना। मुझे ऐसे लगता है कि उसके ये ऑर्डर्स भी लेती होंगी, मैंने तो कुछ पूछा नहीं है इस बारे में, क्योंकि आजकल रिजिन आर्ट्स का काफी क्रेज है। सो उन्होंने ये बनाया, मुझे तो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसे लगा, आपको इनमें से क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और कुछ क्वेरीज होगी तो पूछना कमेंट में, ठीक है। और स्पेशली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मयूरी, लव यू, बाय बाय ऑल, टेक केयर।